नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाइल्स के लिए एक ऐसी रामबाण औषधि बताने वाला हूँ जिसके अंदर अगर आपको कैसा भी पाइल्स है और अगर भयंकर दर्द हो रहा हो तो आपको सिर्फ 3 दिन में उस भयंकर दर्द से रिलीफ मिल जाएगा और आपका पाइल्स का घाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पाइल्स या मस्से के लिए कोई भी औषधि बताई जाती है, घरेलू उपाय बताया जाता है, तो आपके माइंड में संदेह उत्पन्न होता है कि इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है जिससे आपका घाव भर जाता है। जैसे आपको बताया जाता है दूध के साथ नींबू और अन्य कोई उपचार, तो सबसे पहले आपको उनका रीजन, साइंटिफिक फैक्ट जानना जरूरी होता है। तो मैं बता देता हूँ कि केला जो होता है, केला में नेचुरल शुगर होती है और इसमें एंटीबायोटिक क्वालिटी होती है जो आपका इन्फेक्टेड एरिया जहाँ घाव हो रखा है वहां पर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देता है और कम कर देता है। सेकंड थिंग, जो कपूर होता है दोस्तों, कपूर पाइल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा रामबाण होता है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, तो उससे आपकी जो नसों में सूजन आती है वो सूजन कम हो जाती है और कपूर आपको ठंडक यानी अवाहक उस एरिया में ठंडक प्रदान करता है। तो आप नॉर्मली अगर कपूर को नारियल के तेल के साथ अगर आपके इन्फेक्टेड जहाँ मस्सा है वहाँ लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक वहाँ ठंडक मिलेगी और आपको दर्द जो है कम हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हीलिंग गुण होते हैं, तो ये क्या घाव को, आप जो घाव हो रखा है उसको तेजी से भर देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी चीज को औषधि के रूप में बताया गया है तो उसको लेने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप केले को नॉर्मली खाते हैं तो आपका शरीर इसे एक डाइट के रूप में कंज्यूम करता है और ये औषधि के रूप में काम नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किस समय लेना है, खाली पेट लेना है, भरे पेट लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कौन सा क्वालिटी का लेना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। और साथ में इनके साथ जब तक आप ये औषधि ले रहे हो आपको किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, एक पका हुआ केला लेना है, उसको आपको छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। जैसे आपको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट देना है इस तरह। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 से 3 पीसेज में, अगर आप ये जो कपूर आपको लेना है ये कपूर ध्यान रहे कि देसी कपूर होना चाहिए क्योंकि जो पूजा का कपूर आता है वो केमिकल युक्त होता है और देसी कपूर में कोई केमिकल नहीं होता है, ये खाने युक्त होता है। इसका भी आपको एक चने के दाने के बराबर इतना सा टुकड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, या तो इसको एक बार में ही किसी एक पीस के साथ निगल लेना है या फिर अगर, क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वा स्वाद होता है तो आप इसे नॉर्मली, या चाहें तो अगर आप इसे 3-4 पीस के साथ थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकते हैं। और आपको इसे खाना नहीं है, इसको निगल लेना है यानी आपको चबाना नहीं है। अब जैसे अगर आप नॉर्मली एक पीस के साथ लेते हैं तो इस तरीके से आपको इसके केले के अंदर दबा देना है, ये इस तरह दबाने के बाद आपको इसका जो है छिलका हटा लेना है। ये छिलका हटाने के बाद अब आप इसको डायरेक्ट निगल लेना है। तो ये डायरेक्ट निगल लेने से क्या आपको कड़वा स्वाद नहीं आएगा। अब मैं बता देता हूं कि इसके साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप इस औषधि को लेते हैं सबसे पहले तो आपको खाली पेट लेना है, यानी सुबह फ्रेश होने के बाद आपको ये औषधि लेनी है और लगातार आपको 3 दिन तो मिनिमम लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 दिनों तक आपको केवल लिक्विड डाइट लेनी है, मतलब आपको हार्ड कुछ भी नहीं खाना, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरह फ्री हो जाए और आपका जो मल है, जो स्टूल है वो हार्ड नहीं आए, सॉफ्ट आए। तो उससे क्या है कि जो ये ट्रीटमेंट आप करोगे वो जल्दी से इफेक्टिव रूप में काम करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके साथ आपको पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, दूध, जूस, सूप, ऐसी लिक्विड डाइट लेना है, तभी ये दोस्तों औषधि के रूप में काम करेगा। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे, जैसे मैंने बताया नारियल के तेल को कपूर के साथ लगाने से भी इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो वो मैं आपको एक अलग से वीडियो आप बनकर बता दूंगा। तो इस औषधि के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल या संदेह हैं तो कमेंट कर देना। इसी तरह के वीडियो आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।